नमस्कार, मैं तनु बौद्ध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज दिनांक 17 मार्च 2019 को भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के द्वारा सम्मेलन का आयोजन निरंकारी सेवा भवन के सामने किया गया। इस अवसर पर भारी मात्रा में महिलाएं एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस अवसर पर विजय शिव हरे जी, राकेश चौधरी जी, गुटियारी लाल दुबे जी, कमल वाल्मीकि जी, प्रभु दयाल कठेरिया जी, बनवारी लाल जी, आजाद फकीरा जी आदि मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 से सलामुद्दीन की खास रिपोर्ट। देश की सीमा पर सैनिक मरता है, उसकी शहादत देता है देश की रक्षा के लिए, तो किसी राजनैतिक दल के मुंह से और जवान शहादत देने वाले जवान के लिए दो शब्द नहीं निकलते। और भारतीय जनता पार्टी और जवान शहादत देने वाले जवान के लिए उसकी तादाद आप देख रहे हैं, संख्या आगे बढ़ती है, उसके आधार पर आप दूसरे राजनीतिक पदों के लोग आलोचना करते हैं। हम जाटा समाज में पैदा हो रहे हैं, एससी वर्ग में पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें लोगों की ये कभी भी देश के प्रति जमी बदलेगी जब हम और राष्ट्रीय शक्ति नहीं निकलते। पार्टी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ हम मेरे मित्रों आज कंधे से कंधा मिला के लग रहे हो। मेरा आपसे अनुरोध है, हमारा सबसे बड़ा मेन मकसद जो है वो ये है, भारत पार्टी को सीट से जो भी आगरा के अंदर मतदान होगा पूर्ण बहुमत के साथ, मतदान में पूरे जोश शोर के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन में पूरी तैयारी के साथ चुनाव चिन्ह कमर पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए और आपके बीच में आपकी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जी एस धनबाद जी जा चुके हैं, उनका धन्यवाद। जो मोदी जी बोल रहे हैं ना, इन प्रशासनिक दबाव रहेगा और हम चोर साबित होंगे, तो ये अपने उन घटना जो इनके साथ ये अपने उन घोटालों ये गठबंधन हुआ है ना, कि ये इसलिए कि ये बहुत अच्छी पार्टी है, ये सिर्फ अपने घोटालों को। बहुत बहुत धन्यवाद।